हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वी लुकअप। देखिए दोस्तों, वी लुकअप जो है एमएस एक्सेल का एक बहुत ही उपयोगी और पॉपुलर फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, बहुत बड़े डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर हमें चुनना है या ढूंढना है या लिखना है तो ये हमारी उसको ढूंढने में मदद करता है और समय भी बचाता है। क्योंकि अगर दोस्तों मान लीजिए मैनुअली हम किसी बड़े डेटा में से किसी पर्टिकुलर डेटा को ढूंढना हो तो हमें एक एक नाम पढ़ना पड़ेगा या पोस्ट पढ़नी पड़ेगी जिसके आधार पर हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि हमें एक ये टेबल मिली है जिसमें ये पूरा नेम दिया है, ये डेजिग्नेशन दिया है, ये जोन है, ये सैलरी है और ये कमीशन है, ठीक है। हमसे क्या कहा है कि सुरेश का कमीशन ढूंढिए, ठीक है। तो अब ये टेबल तो छोटी है, ठीक है। मान लीजिए आप लोग कहीं वर्क कर रहे हैं, वहां पर आपको टेबल बहुत बड़ी दी है और सुरेश दूसरे नंबर पर नहीं है, तब आपको सुरेश का अगर निकालना है तो आप कैसे करेंगे। फिर आपको एक एक नाम पढ़ना पड़ेगा, रमेश, सुरेश, राहुल। तब मान लीजिए सुरेश आपका यहाँ पे है 20 नंबर पे, तो आप जब तक यहाँ आएंगे तभी लिख पाएंगे। और वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे सुरेश लिखा है उसका कमीशन आ जाएगा, जैसे ही आप कोई नाम चेंज करेंगे उसका कमीशन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं वी लुकअप कैसे काम करता है। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू मतलब आप किस वैल्यू से आंसर चाहते हैं। तो हमने कहा इससे, किससे, नाम से जो कि सुरेश है, ठीक है, कॉमा। अब पूछ रहा टेबल है, तो हमने कहा कि हमारी टेबल तो पूरी ये है। वो पूछ रहा मतलब टेबल है, मतलब किस टेबल में से आप ढूंढना चाहते हैं उस नाम को, कॉमा। फिर पूछ रहा है कि उस नाम के बिहाफ पे आप क्या चाहते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो उस नाम के बिहाफ पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, कमीशन। तो हमारा रमेश जो है ये पहले उसमें है, फिर डेजिग्नेशन दूसरे में, जोन तीसरे में, सैलरी चौथे में और कमीशन पांचवें में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5, ठीक है। और फिर कॉमा, देखिए कॉमा करने के बाद दो पूछ रहा है ऑप्शन आपको, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रोक्स मैच, मतलब कि लगभग, ठीक है। और फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली वही आंसर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसे कि अब इसमें कमीशन जो है हमारा ये एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि जैसे ही हम नाम लिखेंगे हमें यही आंसर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, फॉल्स, टैप करेंगे फॉल्स और उसके बाद ब्रैकेट करेंगे बंद और इंटर। देखिए सुरेश का कितना कमीशन है, 1671, ठीक है। अब आप यहां पे कोई भी नाम डालेंगे तो उसका कमीशन आ जाएगा। जैसे हम चेंज करते हैं यहां पे कार्तिक, देखिए कार्तिक कर दिए, तो कार्तिक इसमें देखते हैं, कार्तिक ये 10वें नंबर पे है और कार्तिक का कमीशन देखिए 1808। हम फिर यहां पर नाम चेंज करते हैं, रत्नाकर करते हैं, रत्नाकर करेंगे तो कितना कमीशन, 1719 रुपए रत्नाकर का कमीशन है। आप ये अपनी टेबल में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने वीलुकअप का फॉर्मूला देख लिया कैसे, कि जब हमें फॉल्स यूज करना हो, मतलब एग्जैक्ट मैच, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।